प्रणाम, नमस्कार, सुस्वागतम। प्राचीन कला केंद्र की तरफ से इस आज एक विशेष संध्या, संगीत की विशेष संध्या में आप सबका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले स्वागत है हमारे लेजेंडरी गुरु पंडित सुशील कुमार जैन जी का, जो एक एवरीबडी इनकी मतलब परिचय के कोई इनको सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। इनके बारे में मैं कुछ और कहूँ, हमारे अनदर वेरी सीनियर कथक गुरु श्री बृजमोहन गंगानी जी, हमारे फैकल्टी की बहुत ही अच्छी मेंबर और आर्टिस्ट वोकल डिपार्टमेंट की डॉक्टर शिम्पी कश्यप जी, और बाकी सब संगीत प्रेमी स्टूडेंट्स, सबको बहुत बहुत आभार अभिनंदन। आज एक स्पेशल डे है, आज दो उभरते हुए कलाकार तबले के क्षेत्र में परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारी गुरु, उनके माता पिता और उनके गुरु का तो आशीर्वाद उन पे है ही है, प्रभु की कृपा उन पे है, क्योंकि वो ऐसे संस्कारों के साथ अपनी तालीम ले रहे हैं और ऐसे लेजेंडरी गुरु पंडित जैन जी के साथ के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे बड़ा एक आशीर्वाद नहीं हो सकता। और हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ हैं हमेशा, उनकी आने वाली उनकी लाइफ में। और इनका परिचय, इनका मैं सिर्फ नाम बोलूँगा, परिचय इनका इससे ज़्यादा इस वक्त कोई नहीं है कि वो इनके इनसे तबले की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इससे ऊपर एक शिष्य का परिचय हो भी नहीं सकता। परिचय गुरु का होता है, मेरे ख्याल से शिष्य का परिचय जो है वो गुरु से ही, उसकी आगे शिक्षा से ही उसका परिचय होता है। तो सुरित पंचाल ये पुणे से हैं, एंड ही इज़ ए यंग बॉय ऑफ अबाउट 12 ईयर्स। सुरित पंचाल बादशाह के, और उनके साथ हैं राघव प्रिय भारद्वाज, ये अमृतसर के हैं। इज ऑल्सो ए यंग अपकमिंग टैलेंट, कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू। और ये भीमसेन प्रोफेसर साहब, एक अनदर लेजेंडरी फिगर ऑफ पंजाब म्यूजिक, आपका बहुत बहुत, आपका आशीर्वाद का आप आए, आपका बहुत बहुत भीमसेन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है आपके आशीर्वाद के लिए जो आप आए इस कार्यक्रम में बच्चों को आशीर्वाद देने। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी, उनके लिए एक खुशकिस्मती है कि ऐसे लेजेंडरी फिगर आए हैं। तो अब मैं, और इनके साथ जो लहरे पे संगत करेंगे वो हैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह मोगा से ऑन लहरा, ये भी एक अच्छे बहुत रिमार्केबल यंग टैलेंट हैं। जो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इन्वाइट करूँगा, सबसे पहले सुरित पंचाल, आपकी भरपूर तालियों में आओ मुझे, और डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी को। और गुरुजन, इन सबको मेरा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं स्वरित बलवंत जी पांचाल पूना से आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। 2.5-3 साल से गुरुजी से विद्या प्राप्त कर रहा हूँ, गुरुजी की अपार कृपा है। सबसे पहले गुरु माँ शोभा कौर सर जी को चरण वंदना, गुरु माँ अनिमा जैन जी को चरण वंदना, पंडित भीमसेन शर्मा जी इनको भी चरण वंदना, और गुरु जी को चरण वंदना। और मैं प्राचीन कला केंद्र और अंकल सजल को सर जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया, नहीं तो छोटे बच्चे निगाह में नहीं आते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है, तो ये तो हमारा भाग्य है कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। मेरे गुरुजी तो एकदम विशाल हृदय है विद्या देने, हम ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, गुरुजी के पास तो विद्या का अपूर्व भंडार है, ऐसा विद्या का भंडार किसी के पास नहीं है। तो आज मैं अपना वादन ताल, जपताल और ध्रुत तीन ताल में करने का प्रयत्न करता हूँ, मैंने सोचा है। और हम कल ही पहुँचे हैं तो और कोई मौका भी नहीं मिला गुरुजी को सुनाने का, तो गुरुजी पहली बार ही मेरा जपताल सुन रहे हैं, मतलब एक सिस्टमेटाइज फॉर्म में, एक जुड़े हुए फॉर्म में, तो जैसा भी हो स्वीकार करिएगा। और नगमे पे साथ दे रहे हैं हमारे बड़े गुरु भाई डॉक्टर गुरप्रीत सिंह मोगा भैया जी, इनको भी सादर प्रणाम। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
बजाता हूँ थोड़ा। अनागत पेश करता हूँ।
उस्ताद मियां मेरा बख्श गिलवाली जी का एक टुकड़ा पेश करता हूँ जो उस्ताद फिरोज खान साहब के उस्ताद थे। इसका एक जोड़ा पेश करता हूँ जो मेरे गुरु पंडित सुशील कुमार जैन गुरु जी का। निशित गंगानी का जब मैंने पहली दफ़ा सुना छोटा, तो मैंने एक नाम रखा था कि छोटे पैकेट में बड़ा बम, ये वो है। एंड वी कैन सी विद द ब्लेसिंग्स, यस ग्रेस ऑफ गॉड एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु एंड आल्सो विद फोल्डेड हैंड्स और क्षमा। मैं जब गुरुजी की मेहता की बात कर रहा था तो मैं मिस कर गया जल्दी में, गुरु माँ काफ़ी जो आशीर्वाद इन बच्चों को इन स्टूडेंट्स को है, क्योंकि उसके बगैर भी शिक्षा अधूरी है। तो जय हो आपकी भी। गुरुजी वी आर ग्रेटफुल, इनफैक्ट आप ये जब आए और ये जितनी खुशी आपको हो रही है या इनके पिताजी जिनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि अगर माँ बाप का योगदान ना हो तो गुरु की भी जो है मेहनत का एक जो साथ साथ श्रेय जो जाता है वो माँ बाप को भी है, बहुत बड़ा इनका भी योगदान रहता है। इनकी आज जो भी ये कल को बनेंगे, और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये नाम रोशन करें अपना पूरे दुनिया में, अपना अपने माँ बाप का और अपने गुरु जी का, और इसी यही हमारी शुभकामनाएं इनके। और खुशी उतनी हमें भी हो रही है कि ये जो यंग टैलेंट है इस मंच पे, और प्राचीनला केंद्र तो हमेशा ही ऐसे टैलेंट के लिए ओपन है, एनी टाइम वी ऑलवेज वेलकम दीज काइंड ऑफ इमेंस और रिमार्केबल टैलेंट्स। तो बहुत बहुत गुरुजी, और डेफिनेटली जब भी पुणे या मुंबई हमारा इवेंट होंगे तो मैं ध्यान में रखूँगा कि मैं सुरित को जो है ये परफॉर्म करें पीके के स्टेज पे, उन स्टेट्स में भी पुणे या हमारा रेगुलर होता रहता है और मुंबई में अभी होने वाला है। तो नेक्स्ट जो मैं एक और रिमार्केबल टैलेंट, बस एक हाँ ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि ही इज़ सो अच्छा,
एक तो ब्लेसिंग्स तो है ही हैं और एक आशीर्वाद ये भी आता है कि सम ब्लेस्ड सोल्स आर बॉर्न टू प्ले तबला. जैसे आप बॉर्न अगर हम कहें टू टीच टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ टैलेंट्स ऑफ पंजाब घराना रेपर्टरी, जैसे हम ये देख रहे हैं प्रिजर्विंग, तो जितना आपने इस पर काम किया है बहुत मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इतना वर्क इस पर किया है प्रिजर्विंग पंजाब रेपर्टरी. और ये जैसे लगता है द मोमेंट टू की ही इज डोंट हैव द टाइम टू स्पीक इवन, मतलब वो इतनी उसमें ग्रॉस्ड हैं कि जो एक राम से भी करके फिर वो, लेकिन दैट कम्स विद दी, लेकिन रिमार्केबल हेड्स ऑफ. एक फिर तालियां, जो भी बात कर रहे थे तालियां इसलिए कि वो बजा के अगले जो हमारे हैं यंग रिमार्केबल टैलेंट वो है राघव पिराय भारद्वाज. आओ बहुत बहुत शुभकामनाएं, आइए. हेलो हेलो. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणाम टू रेवर्ड गुरुमा नीमा जैन जी, जैन गुरु जी एंड पंडित शजर कौशल जी एंड अल्टीमेटली टू प्राचीन कला केंद्र हु हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अमंगस्ट यू एंड वंदन टू ऑल रेवर्ड गुरु इज प्रेजेंट हेयर. आई एम राघव प्रिय हेयर फ्रॉम अमृतसर रीजन. ऑल्सो आई एम बींग सुपरवाइज्ड बाई गुरु जी फॉर लास्ट 3 years. Guruji has emphasized always on hand postures most and is a hard task master on that point. And to be regular with Guruji is a sort of bliss, marveled by inventivity. Today I will be going to play Teen Taal, 16 beats, and in Teen Taal there will be one Peshkar, somewhat different from Delhi Gharana and Kaida. रेला टुकड़ा एंड मेंटेनिंग द इतराक ऑफ द घराना. गुरु जी इजाजत. Thank you.
Thank you.
ये गुरु जी की रचना है। ना ना तंत्र ना तक जन कटान दाग तक दिंग तक 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 बेदम चक्रधार। मीरा बख्श गिलवालिया जी, हु वॉज द गुरु ऑफ उस्ताद फिरोज खान साहब। जाति में चीजें सुनाता हूं। Thank you.
उस्ताद मियां कादरबख्श खान साहब जी की एक बंदिश है। गुरुजी की बंदिश है चक्रधार।
दादी के टक टक इन कत टक 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 दिन टक 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 इन दाग दिदिक टक टक दाग टक दिन दा टक 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 इन दाग दिदिक टक टक दाग टक दिन दा टक 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 इन दाग दिदिक टक टक दाग टक दिन दा See that in the coming years Punjab Gharana se jo hai ek remarkable talent nikal ke aa raha hai aur India kyunki yahi hamari jo shubhkamna hai duaye hain wishes hain ki ye jo youngsters hain ye nikle aur pure bharatvarsh mein apna that is the bilkul gurujanon ka aise hi aashirwad hai nikle par aur पंजाब घराना जो ये देख रहा हूँ मैं जलंधर भी गया था जो ये यंगस्टर जो ये निकल के आ रहे हैं और सीरियसनेस जो है क्योंकि जैसे गुरुजी ने एक रिमार्केबल पैरेलल वर्क काम किया है और ऐसे ही जो है वर्क किया है पंजाब घराना पे पंडित काले राम जी ने जिनके भी जो मैं देख रहा हूँ गया हम स्टूडेंट्स देखे हैं और गुरुजी ने तो उस्ताद लक्ष्मण सिंह सीन जी की जो लेगेसी थी लेगेसी है वही पंजाब घराने की एक लेगेसी इसको नए आयाम दिए हैं अपनी जो एक कॉम्पोजिशंस अपने एक सिस्टम से जो सब बजा रहे हैं बड़े बड़े कला आर्टिस्ट चाहे वो पंडित योगेश शमशी जी हों या अक्रम उस्ताद अक्रम खां भाई हों तो ऑल आर प्लेइंग गुरु जी कॉम्पोजिशन तो दैट इज़ ए रिमार्केबल जिसे कहना चाहिए धरोहर हमारे पास है और हम तो यही चाहेंगे कि जैसे पहले होता था एक टाइप पे वो आर्टिस्ट अगर दिल्ली या बॉम्बे से कि भाई तबला दिल्ली नहीं अच्छा वो पंजाब में है ना जब पवन वर्मा जी हुआ करते थे और यंग डेज की मैं काले राम जी और सुशील जैन जी तो वो हैं हो जाए कोई सूट नहीं है तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में यही हो कि एक लेजेंडरी कोई भी आए परफॉर्मेंस चाहे वो सितार एक्सपोनेंट हों या वोकलिस्ट हों या कोई भी फ्लूटिस्ट हों तो जब बात की जाए कि जी तबला तो कह नहीं कोई सूट नहीं है वो वहाँ पे सोरेन या ये राघव और या और स्टूडेंट जो आ रहे बजा रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो वहाँ पे हैं कोई ज़रूरत नहीं कहीं से बुलाने की वहीं से आप उनको बुला लीजिए तो ये एक बात जो है ये हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये हो जो पहले भी होता रहा वो आगे भी हो और ज़रूर होगा आप सबका आशीर्वाद और प्रभु की कृपा रहनी चाहिए मैं गुरु जी से आग्रह करूँगा कि वो आए और उधर कुछ आशीर्वाद रूपी और हमारे बीच में प्रोफेसर जसविंदर कौर जी भी हैं आपका भी बहुत धन्यवाद आप आए और सब और भी गुरुजन बैठे गुरु जी प्लीज़ आइए और अभी भीमसेन जी भी आज आशीर्वाद देने आए हैं मैं चाहूँगा वो भी इस बच्चों का आशीर्वाद दे पहले तो थैंक्स टू द प्राचीन कला केंद्र फॉर अफोर्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू दिस टीचर्स ये आपने मौका दिया है बहुत बड़ी बात है हम लोग आते जाते ये विचार लिखता रहता हूँ मैं तो ये दो तीन दिन में ना ऐसे पेज हमारे जेब में पड़े रहते हैं ऐसे सब ना पड़े रहते हैं तो उसमें से थोड़ा ताल्लुक का आज थोड़ा इसमें आ गया वो ये कि घराना पंजाब इतना बड़ा था
गुरु जी तो यहाँ बैठे हैं, भीमसेन गुरु जी, इन्होंने तो बड़े बड़े दिग्गज सुने हैं, पखाऊ जी सुने हैं, तो हम तो इनसे बहुत कुछ लिया है, हमने सीखा है। जब गुरु जी के पास आते थे, बातचीत होती थी, तो उससे हमने बहुत बहुत कुछ लिया है, इनसे बहुत कुछ लिया है। मैं ये कहता हूँ कि भाषा जो है ना, भाषा वह साहित्य का दर्पण है, जैसे मिरर होती है ना लिटरेचर, और साहित्य तो भाषा से ही बनेगा ना, और तो किसी चीज़ से नहीं बनेगा। भाषा में अपने आप यहाँ जाते हैं हम लोग, भाषा के डायलेक्टिकल्स कुछ पोर्शंस हो जाते हैं हर जगह, यहाँ गए वहाँ बोली बदल गई, वहाँ बोली बदल गई, इधर है। पंजाब घराना इतना बड़ा था कि 125,000 उखली के उस्ताद थे मियाँ कादर बख्श खां साहब, जिनकी नज़र न्याज उनको आती थी, और वो हिसाब लगाइए कि कितना बड़ा घराना था। ये घराना क्यों बन गया? दिल्ली वालों ने बादशाहों को खुश करने के लिए कुछ प्रयोगवाद किया है ना, बादशाहों को खुश करने के लिए। उस समय कुछ संक्रांति काल भी था, ज़रूरत भी थी उस बात की कि हमारा ध्रुपद धमार थोड़ा पीछे जा रहा था, बंद हो रहा था, और उधर बादशाह की डेथ भी हो गई, ये सब हुआ। अच्छा, ये घराने की फाउंडेशन कैसी है कि देखिए, ये मुस्लिम घराना है, लेकिन इसके बानी एक हिंदू पंडित थे। दिस घराना हैज़ बीन फाउंडेड बाई ए हिंदू पंडित, पंडित भवानी दास जी, लाला भवानी दास बोलते थे उनको। अच्छा, मैंने ये कहा कि स्पेसिफिक डायलेक्टिकल्स होते हैं भाषा में, तो भाषा से पहचाना जाता है, दिल्ली दिल्ली के बाद से पहचाना जाता है। व्हाट आर दोज डायलेक्टिकल्स, वो पोर्शंस क्या हैं, उसके बॉन्ड्स क्या हैं, बॉन्डेज क्या है, उसको बनाने की विधि क्या है, उसके स्पेसिफिक जो कॉनोटेशन जो हमारी मिलती है किसी दूसरे से, उससे अंतर कैसे आता है, वो सब चीज़ें देखने वाली हैं, उसके कारण ये भाषा बनती है। अब हमारे हमको तो यही कहते थे, मैंने ये लिखा हुआ है वो किताब में जा रहा है ना, वो पोर्शन यहाँ भी आ गया कि राजा वेशेन ज्ञायते योद्धा शस्त्रे ज्ञायते। राजा अपने वेशभूषा से पहचाना जाता है, वो योद्धा शस्त्र से पहचाना जाता है, शस्त्र धारण किए होते हैं उसने। तो रचना जो है वो वर्णन्यासेन शब्द दल उसके प्रयोगान प्रयोगेंच प्रत्याभिगायते, उसकी पहचान होती है कि उसका जोड़ संधि कैसे किया है, उसका न्यास कैसा हुआ है उस भाषा का। तो उस समय जब ये घराना बना, ये क्षुब्धता के कारण बना था, क्योंकि एक फतवा गलत दे दिया गया था पंडित जी को। ही वॉज द प्रीमियर प्लेयर ऑफ ऑल इंडिया, वो भारतवर्ष के महान संस्कृत के विद्वान आदमी थे जिसने ये घराना रचा है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि मुस्लिम राजाओं को ये गणेश पारण और स्तुति पारण कहाँ वो सुने, वो एक प्रॉब्लम बन गई। यानी हमारी जो विद्या है वो छंदों के ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए ही बनी है। वो जो जितना मार्गी संगीत था उस समय का, ये उस समय के बनी हुई है। छंद है पादो तू वेदस्य कहा, ए छंद तू वेदों के चरण है, जब छंद चलता है तब वेद चलेंगे, छंद ही नहीं चलेगा तो वेद क्या चलेगा। यदा छंदा यदा वेद वेदे छंदा तस्य पादा तालवाणियाम तस्य विच्छाया एव, ये उसकी छाया है। जैसे सूर्य की हमारी छाया पड़ती है, असली वो नहीं होती, ये नादीय रूप में है, हमारी छाया है ये हमारी वाणी की। और दूसरे ये चीज़ है, ये तो बच्चे चलो ठीक है कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपने इनकर्ज किया है, माता पिता के संस्कार पे भी बहुत पड़ता है ना। और जितनी रचनाएं जैसे रचना करते हैं, अब जमीन तो कॉमन है, अब ज़मीन के ज़मींदार को जिसको ज़मीन मिली है वो उसका मालिक है। चावल तो सब एक ही दिए हैं, लेकिन बासमती अलग अलग है, उसकी खुशबू से अलग अलग पता चलता है। तो इसी तरह ये जो पूर्व जन्म का जो संस्कार है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, ऐसा मानते सनातन में कि पूर्व जन्म का संस्कार है, वो साथ में आता है। उसके बाद सजातीय गुणवत्ता साथ में आती है, मामा और नाना की, उसके परिवारों की सजातीय गुणवत्ता साथ में आती है। और उसके बाद आप जो अधिगम करते हैं, जो सीखते हैं, गुरु से सीखा है, नायकी प्राप्त की है, अपना कोई साहचर्य भी है, कुछ अपना तजर्बा भी है, कुछ अपनी अनुभूतियां हैं,
है ना, उसके अनुभव हैं, वो अनुभव सबका रंग आपकी वृत्ति पे चढ़ता है। आप जो रचते हैं वो वृत्ति में उसका प्रभाव आता है। तो हमारे बुजुर्गों ने जो रचा उसमें उनकी वृत्ति का परिचलन कैसा था ये दिखाई देता है। मैंने यही कोशिश की है कि मेरे उस्तादों को जो उन्होंने रचना, भाषा, भाषा को काबू करना, भाषा का इदराक अगर आपके पास आ गया तो कुंजी आपके पास है घराने की। मैंने एक बहुत बड़े विद्वान है हमारे साकिब रजाक साहब, पाकिस्तान के स्कॉलर, ही वाज द मेन स्कॉलर ऑफ द पंजाब घराना, साकिब रजाक साहब इंग्लैंड में रहते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा, अरे बोले, मैंने कहा मैं कहाँ किसको दूँ, खलीफा तो कोई नहीं है घराने के, मैं अपना किसको दूँ, किसके चरणों में रखूँ जाके अपनी तालीम। बोले इस समय खलीफा है नहीं कोई, आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए। कहते अगर वो होते तो वो भी शायद सोच में पड़ जाते कि ये क्या विद्या है। यानी ये क्या चीज़ है। मैं आपको ये कहता हूँ कि यहाँ ये मैंने क्या है उसका, कि बहुत से लोगों को पंजाब घराने की वाणी के प्रवाह का डायलेक्ट्स, शब्द दड़ों का प्रयोग, बॉन्ड्स, बुजुर्गों की सोच, वृत्ति पर चलन, चित्त की विवक्षा क्या है, चित्त की तांग क्या है, चित्त चाहता क्या है करना, वो जिससे रंगा हुआ है वो ही करेगा, जिसका प्रभाव उसके चित्त में है वो ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। और उसके बाद धृतिमति का संयोग है। तो ये साहित्य का रचना है, जो रचनाकार है ही एट्रीब्यूट सम टू टू द रेपर्टरी, वो उसमें अपना योगदान दे रहा है, इसका उसका महत्व भी है, ठीक है ना। हम लोग बुजुर्गों की चीज़ें बजाते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी देखिए कि अगर बुजुर्ग ना होते तो क्या बजाते। हमारे बुजुर्गों ने, अस्माकम आचार्य, मैंने वहाँ लिखा है कि उन्होंने हमें 10-11 वर्ण दिए। 10-11 वर्ण कैसे दिए चुन के, दो मुख्य वर्ण हैं ग और त, तबले के दो ही मुख्य वर्ण हैं ग और त। आज मैं आपको ये नई बात बता रहा हूँ, उससे ही आगे ये ड्राइवेशन हुई हुई है सारी, जितनी है ना। बड़ौदा में मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि ये तालव्य की, हमारा तालु है ना, ये तालु की शक्ल है स्याही जो है, तो उससे ये सारा बन रहा है। और उन्होंने किस तरह सोचा हमारे लिए, जैसे जमीन दी परमात्मा ने, सूर्य दिया, चंद्रमा दिया, वायु दिया, इस तरह ये 10-11 वर्ण आचार्यों ने सोच के दिए हैं हमको। उसमें क्या है कि हमारी मुखमिति क्या है, संपृष्ट प्रयत्न क्या है, ईष्ट संपृष्ट पतन क्या है, और उसका खुलना कितना है, ये सब सोच के दिया। कि महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है, और उसके स्थान पे मैं कैसे निकास ले सकता हूँ, ये सारी साइंस है, विज्ञान है। तो कभी फिर कभी मौका मिलेगा। आज आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को लिया और आपने आनंद भी लिया, आप लोग आए, तो ये तो मेरे लिए भी एनकर्ज की बात है। और गुरु भीमसेन जी आज हाजिर हैं, तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो भी चाहे कष्टी किया होगा, ऊपर आने का होता है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप आशीर्वाद दें बस, ठीक है, और है। और इसी के साथ बहुत अप्रिसिएशन एंड अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, जिन्होंने बहुत खूबसूरत सन। अब मैं आदरणीय भीमसेन जी से और गुरु सुशील जैन जी से और हमारे गुरु ब्रिजमोहन गंगानी जी से है, अच्छा नहीं, आप आशीर्वाद तो मैं आपके, चलिए आइए, आप आइए गुरु जी, और भीमसेन जी, पंडित जी, गुरु जी आइए प्लीज, हाँ हाँ, इनको लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर धीरे धीरे आ जाए स्टेज पे, तो ये हिस्टोरिक मोमेंट होगा इन यंग टैलेंट बच्चों के लिए। इधर उस तरफ से आ जाना है सर, आज 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 आज
छोटा हूँ किसी का बड़ा हूँ, तो मैंने 5 वर्ष की आयु से गाना सीखना शुरू किया था और जहाँ से गाना शुरू मैंने किया था उसके 10 किलोमीटर दूर पर खान साहब अल्लाह रखा खान साहब का घर था और उनको हमने इतने करीब से सुना देखा हेलो और उनके शिष्यों को देखा और पंजाब के लोगों को इतनी करीब से देखा। आपको मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि भवानी जी उनका तो कोई मुकाबला नहीं है और जब हम बार बार कहते हैं पंजाब 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 जब हम कहते हैं तो उसके पीछे आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें 5 किस्म की धरती और 5 किस्म के आब हैं, इसलिए पंजाब उसका नाम है। 5 किस्म के दरिया हैं, 5 दरिया हैं और यहाँ की जो कला है वो इतनी पवित्र और इतनी ऊंचे दर्जे की है। अभी भी मैं कभी कभी जब गुरबानी सुनता हूँ और उसमें जो सिद्ध लोग बता रहे हैं उसके बाद मुझे ये लगता है कि उन्होंने उसको पकड़ रखा है। उसका नाम आज जिसको आप गुरबानी कहते हैं उसका नाम पहले ध्रुपद होता था, वो ध्रुपद अंग है सारा और उसमें भाव की शुद्धता सुर की शुद्धता और शब्दों की शुद्धता और उसमें वेद का पूरा दर्शन होता था। और अभी भी जब गुरुवाणी को आप सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं गाते हैं तो उसमें सारा का सारा वेद का सार होता है, वही जो है वो उसको लोग ध्यान से नहीं सुनते और जिसको हम ख्याल कहते हैं उसका विचार है। ख्याल का मतलब है ध्यान है, ख्याल का मतलब ध्यान है, प्रश्न शब्द है ख्याल,
जिसको हम ध्यान कहते हैं, और जिसको हम ऋचा कहते थे वो वेद के मंत्र, वेद के मंत्र होते थे, और वो धीरे 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 जैसे कल्चर मिक्सर होते गए तो हमारा वो जो तत्व था वो बैठता गया और दूसरा बाहर का तत्व हमारे ऊपर आता गया। और अब मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी ये जैन साहब स्वार्थ कर रहे हैं, स्वार्थ अपना नहीं है इनका, कला के लिए कर रहे हैं, और जिनका विचार इतना अच्छा है, अभी आप सुन रहे थे कितनी अच्छी भाषा बोलते हैं ये, और भाषा तभी बोली जाती है जब भाव हो, तो अंदर का भाव जब है तभी तो बाहर उतरेगा। तो वो इतना अच्छा सोच रखते हैं। और मैं आपको और एक और बात बताऊं कि ये बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं, क्योंकि गणित इनका विषय रहा है, मैं तब से इनको जानता हूं जब ये बैंक में सेवा करते थे, तो बैंक की सेवा जो है वो तो गणित है सारा। और कई कई बार मैं अलर का खासा का मैं पड़ोसी हूँ, मेरे घर से 10 किलोमीटर अलर का खासा थे, और उनके शिष्य और एक अल्लाह देता जी थे जो कराची रेडियो से बजाते थे, और एक नसीरा भाई साहब थे जो कि पंजाब में थे, और उनके शिष्य जो थे वो हमारे आसपास थे। मैंने भी तबला बचपन से सीखना शुरू किया था और सीखा, और उसके बाद गाना मैंने सीखा, और गाना सीखने के बाद मुझे ये समझ आई कि सबसे पहली बात जो है वो ताल ही है। आपको ये सुन के हैरानी होगी, प्रसन्नता भी होगी कि जितना भी गाना आप गाते हैं बजाते हैं, चाहे साज पे हो चाहे गले से हो, जिसमें भी आपको अंदर हृदय से कुछ लगे कि बाबा, कभी मुंह से बोल देते हैं कभी नहीं बोलते, तो ऐसे आप भाव दिखाते हैं, तो उसके पीछे ना तो सुर का काम होता है ना शब्द का काम होता है, वहां लय होती है। जितना भी मजा आता है गाने बजाने में वो लय पैदा करती है, जैसे सर सर ये जो है ऐसे ऐसे जो हो रहा है ये सा खड़ा मात्रा है, आ गा रे सा रे गा, तो ये लय है, इसमें मजा आता है। तो जितनी भी कंपोजिशन होती है, अभी आप देख रहे हैं कि धाते टे धाते टे 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 धागे टे टे के नंगे नंगे ताके टे ताके टे 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 धागे टे टे धात्र के धागे, अब जब धात्र के तक आता है तो लय बदल जाती है, और लय का मजा है, वही पैर से निकाले तो वहां मजा आता है, वही मांग से निकाले वहां मजा आता है, गले से निकाले हाथ से निकाले कहीं से भी निकाले, तो मजा तो उसमें है, लय में मजा है। और जैन साहब ने जो कुछ करना शुरू किया है मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा खजाना है इनके पास। और जिन बच्चों को ये सिखा रहे हैं, जिन बच्चों का रियाज करवा रहे हैं, जिन लोगों के बीच में ये रह रहे हैं, ये बहुत बड़भागा है समय के इनकी यहाँ मौजूदगी जो है वो जो भवानी का घराना है उसको जगा रहे हैं। और आपको एक और बात बताऊं, एक और बात बताओ कि जब पाकिस्तान बना था तो मैं उस वक्त 9-10 साल का था, जितने भी गाने बजाने वाले हम सुनते थे देखते थे मिलते थे, कॉन्फ्रेंसेज होती थी त्योहारों पे होती थी, तो वो लोग जो थे वो पाकिस्तान चले गए, कुछ लोगों ने मार दिए, कुछ नहीं हुए कुछ कहीं, तो खाली हो गया था पंजाब हमारा, क्योंकि सारा का सारा काम वही करते थे। हमारे परिवारों में बहुत कम लोग थे जो इधर को आते थे। मैं जब बच्चा था तो गली में ऐसे ऐसे चलते चलते हाँ हूँ करते करते तो मुझे वो माताएं लोग
बुजुर्ग लोग जो कहते थे इतने बैठ के जरा सा सुनाई इतने बैठ के जरा सुनाई, तो हम लोग ये करते थे। और उस वक्त से आज के वक्त में, अब मैं 90 साल का हो रहा हूँ, तो 70 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी जगह को आपने इतना बड़ा समुद्र बना दिया है। इसका जो क्रेडिट जाता है कौशल साहब को जाता है। कौशल साहब ने जब इस कला केंद्र का उद्घाटन करना था, जब इसको बुलाना था, लाना था, खोलना था, तो वो चाहते थे वेदी साहब को बुलाना, वेदी साहब इनॉग्रेट करें। मैं वेदी साहब का शिष्य हूँ, अमीर खान साहब का शिष्य हूँ, वलद खान साहब का शिष्य हूँ, पंडित कुंदन लाल जी का शिष्य हूँ, मेरे सात गुरु हैं जिनसे सीखा मैंने। तो वेदी साहब आ नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि आपने जो है ना नृत्य को पहले क्यों रखा है, गायन से शुरू होना चाहिए। तो वो मान नहीं रहे थे इनॉग्रेशन का लिया। तो कौशल साहब मुझे जानते थे, मेरे साथ बहुत प्यार था, मेरे बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भीमसेन इधर आओ, कभी हुक्म करो, कहते मेरे नाल चल वेदी साहब को, तेनू वेदी साहब बहुत प्यार करते थे, जो कुछ मैं वेदी साहब को वो करवाना चाहना वो करवाओ। असी जाके मोटर से बैठे, उदो साधन लिमिटेड से, मोटर से बैठे रात को, तो सवेरे 4 बजे दिल्ली पहुँच गए, तो वेदी साहब तो घर सोए हुए से, असी जाके उन्होंने बाहर सीट से बैठ गए। जिसने उठ के आए तो उन्होंने देखे कि दो बंदे बैठे, ओहो तुसी कदों आए, असी क्या जी असी तो 4 बजे से आए, अच्छा किदा आए, तो असी चरण पकड़ के उन्होंने क्या कह दी, असी तो तुहानू लैण वास्ते आए हैं कि तुसी उद्घाटन करो। भीम सेन देखो, मैंने इनको पहले कभी बदला कभी इसका नाम ऐसे कर दो, देखा गुरु जी जब आप कहोगे जैसे आप कहोगे हो जाएगा, वो तो एक ही बात है, वो तो एक ही बात है, अगर ऐसे करके कुछ कह दो तब भी ठीक है, अगर ऐसे करके कह दो तो भी ठीक है। संगीत तो संगीत उन्होंने उद्घाटन किया और तब से लेकर आज तक जो इन्होंने काम किया है, इस स्टाफर ने, कौशल साहब ने, उनके बेटे हैं ये, और जो इनके साथ संगी हैं जिन्होंने इतना काम किया है, और इस वक्त जो इस कला केंद्र की स्थिति है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस लेवल का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। जितनी इन्होंने सेवा की है, और इनका क्रेडिट जो है वो इनके गुरुओं को और इनकी सेवा को जाता है। मैं इतना ही कहूँगा कि अब इसमें थोड़ी सी बात और आप जोड़ना चाहता हूँ कि एक बार मेरे यहाँ शिष्य अनुराग के फादर अनुराग ज्वेलर्स, वो मेरे को कहने लगे कि चलिए कौशल साहब से बात के मिल के आते हैं, जो आप बार बार कहते हैं ना कि ऐसे होना चाहिए कला केंद्र में ऐसे होना चाहिए, तो आज हम उनको प्रार्थना करते हैं कि ऐसे करो। तो मैंने कहा जी ठीक है, हम आए और वो बैठे हुए थे अपने रूम में घर में, तो हमने उनको नमस्कार किया, कहते आए कैसे आ गए, बहुत अच्छे आए, बड़ा अच्छा भाव था उनका, देख कर खुश हुए। तो वो कहने लगे कि जी शर्मा जी आपको कुछ कहना चाहते हैं, मुझे साथ लेके आए हैं, तो इनकी बात सुनो। तो मैंने उनको प्रार्थना की कि जी आप पढ़े हैं, आप शुरू से करते आए हैं, और अब आपने इतना कर दिया है कि इसको दरिया से समुद्र बना दिया है, इतना फैला दिया है विदेशों में भी देश में भी, और इतना कुछ कर दिया है, और लोगों को डिग्रियां दे दी हैं, और उन लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब मेरी प्रार्थना यह है कि अब आप उन बच्चों को
पकड़ो जो अच्छे कलाकार बन सकते हैं, सारे नहीं बन सकते, जिनका एप्टीट्यूड होता है वही बन सकते हैं, जिसमें भावना होती है वही बन सकते हैं, उनको चुनो। और जो अच्छे गुरु हैं, जिनको सिखाने का शौक है, जिनका दिल खुला है, उनको लाओ और अपने केंद्र में उनको बिठाओ और उन टैलेंटेड बच्चों को बिठा के उनको सिखाओ। अब आप कलाकार बनाओ, अभी जानकार तो आपने बना दिए, मैं इनको पुस्तक पार्टी कहता हूँ, जो कुछ ये कला केंद्र के बाहर हो रहा है और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में जो हो रहा है, मैं उसको कहता हूँ कि ये संगीत की कथा करते हैं, सॉरी टू से। लेकिन मेरे दिल में यही था कि इसकी क्रिया होनी चाहिए, ये क्रियात्मक है, कथा से कुछ नहीं होता, जब तक क्रिया नहीं करोगे तो होगा क्या। तो जब मैंने उनको ये बात कही कि मेरी प्रार्थना है कि कलाकारों को लाइए, जो चुने हुए अच्छे कलाकार, सिद्ध कलाकार जो हैं वो, और जो हो सकने वाले कलाकार हैं उनको उनके चरणों में बिठाओ और अपने केंद्र से उनको बताओ, और पंजाब का जो गायन का घराना है उसको फिर से जगाओ। तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा, कहते मैं अभी आपको उसका डायरेक्टर बनाता हूँ, आप उसके डायरेक्टर बनाओ और आपको मैं कहते हुए मुझे थोड़ी लज्जा भी आती है कि इतना बड़ा उन्होंने मुझे सम्मान दे दिया, मैं तो इस योग्य नहीं। उन्होंने कहा कि घर से गाड़ी आपको लेके आएगी और आप उनको सिखाइए, और घर पर छोड़ के गाड़ी आपको आएगी, आप डायरेक्टर हैं। लेकिन मेरी किस्मत खराब क्या हुआ कि उस वक्त उनको हार्ट अटैक हो चुका था और 6 दिन के बाद वो हमें छोड़ के चले। वो मौका आया ही नहीं कि वो जो कुछ मैं उनको प्रार्थना कर रहा था उसको वो तैयार थे। उन्होंने जब मुझे ही डायरेक्टर बना दिया तो और भी लोगों ने आना था, वो आ जाने थे, लेकिन वो समय नहीं आया। और अब ये हमारे अजीज हैं, बहन जी हैं, मेरे को बहुत आदर देती हैं, बहुत प्यार करती हैं, मेरे से बहुत बड़ी हैं। जब मैं एग्जामिनर बन के आता था तो मुझे मिलने जरूर आती थी, जबकि उनका सब्जेक्ट नहीं था मेरे साथ, मैं तो गाने बजाने की बात करता था, वो डांस में थे, लेकिन आती थी, उनको प्यार था मेरे से। तो मैं अब इनको ये वही बात देता हूँ कि जो मैंने उनको प्रार्थना की थी, मैं अब इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके ऊपर ये ध्यान करें, और अच्छे गायक और वादक, तबला वादक तो बहुत अच्छे हो गए, भवानी जी का घराना बहुत ऊंचा चले गया और भी जाएगा, और हमारे पंजाब के जितने भी बड़े बड़े कलाकार थे उन सब का सबक पूरे हिंदुस्तान के गायन वादन नर्तक और तबला वादक और सिंगर उनके पास, सबके पास है, वो लेके जाते हैं, पूछ के जाते हैं कि जी हमें कोई बोल दो, तुसी अपना बोल कोई दो। मैंने जब तबला पहले से सीखा तो पूर्ण चंदी थे, उन्होंने कहा कि की जानते हो की जानते हो, तो मेरे पिताजी कहने के जी ये तबला सीखना चाहता, अच्छा ठीक है सिखा देंगे, कहते थे वो वास्ते तो शिकृति करनी पैदी है, तो मैं नहीं सी पता शिकृति की होती है, तो मेरे पिताजी ने लड्डू तो वो उत्ते रुपये रखे थे, वो उत्ते फुल रखे थे, कहने जाके उन्होंने चरणों में रखते मैं रख देता, तो मुझे पहला बोल उन्होंने सिखाया कि टिकट दागी टिकट दे देने के धान 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 धान, यहाँ से मेरा सबक शुरू हुआ था। वो कमल की तरह खिल गया है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इन्होंने बहुत मेहनत की है, जैन जी ने और बच्चे तैयार किए हैं, और ये इनकी सेहत और इनका मान सम्मान आप बनाते रहो, और बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, बच्चे बहुत अच्छे हैं, ईश्वर इनको तंदुरुस्ती दे और इनका ज्ञान बढ़ाए, धन्यवाद।
और तो नहीं फोटो क्लास सर, थोड़ा नज़दीक आ जाओ। थैंक यू।